दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे डेवलप होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाएं हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी का बढ़ जाना, जैसा कि नाम से संबंधित है, ब्लड का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब ये होता कैसे दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि ब्लड की जो आर्टरीज या वेन्स होती हैं उनके अंदर में जब भी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या कोई भी गंदगी अगर जाके इकट्ठी हो जाती है, तो जैसे नली होती है तो नली की एक पर्टिकुलर जगह होती है ना, कि उतनी सप्लाई होने वाली है, चाहे उसके अंदर पानी डालिए, चाहे ब्लड डालिए, चाहे जो भी लिक्विड आप डालेंगे तो उतना जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर में गंदगी इकट्ठी हो जाए उस नली के अंदर में, तो जो जगह होती है वो जगह हो जाती है कम। अब जगह कम हो जाएगी तो और जाना है तो हार्ट तो पंप कर रहा है, लेकिन जगह कम होने की वजह से अब कम मात्रा में जाएगा। और आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ में से अगर जगह कम हो जाए, कम मात्रा में जाए, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है ना। प्रेशर बढ़ जाने से क्या होता है कि वो फोर्स के साथ जाता है, जिसको बोलते हैं कि ब्लड का प्रेशर, मतलब ब्लड में जब प्रेशर हो जाए, दबाव आने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड का प्रेशर, यानी ब्लड में प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आप देखिए, जैसे आपने पानी से कई बार अपना गाड़ी या दूसरी चीज़ें साफ की होगी, आपने पानी का जब हमको प्रेशर देना होता तो क्या करते हैं, उसकी जो जगह होती है आगे वाली, पानी जा रहा है तो उसको थोड़ा सा दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर बन जाता है और कुछ दूर तक, काफ़ी दूर तक ब्लड का फ्लो जाता है और प्रेशर के साथ में जाता है ना। तो सेम यही कंडीशन होती है हमारे आर्टरीज के अंदर में या वेंस के अंदर में, जबकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है उसके अंदर में, तो नली के अंदर में। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि ऐसा होता क्यों है। तो ब्लड के प्रेशर का बढ़ने का एक कारण है। इसके अलावा अगर बीपी आपकी बढ़ी हुई मिलती है तो उसका कारण एक ये भी होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे आप खेल कूद करके आ रहे हैं, दौड़ करके आ रहे हैं, आप हाँफ रहे हैं और वैसी कंडीशन में अगर आपका बीपी चेक कर लिया जाए तो आपको बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है कि जबकि आपको पेट के अंदर गैस बनी हुई हो और गैस बनी हो और आप उसमें अगर बीपी चेक कराएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको उलझन, बेचैनी, घबराहट हो रही है, पेट के अंदर में तना हुआ है या ऊपर के साइड में। ठीक है, क्योंकि जब गैस बनती है और ऊपर के साइड में होती है तो ज़्यादातर ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम को प्रेस करती है ऊपर के साइड में, और स्पेशली ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है और जहाँ पे हर्ट आपका है। ठीक है, तो अब हर्ट होने की वजह से क्या होता है कि चूँकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और हर्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, हर्ट के ऊपर दबाव पड़ता है तो हर्ट भी पंप करने लग जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी आपको बढ़ी हुई मिल जाती है। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा हुआ है कि जिनको बीपी की शिकायत होती है उनको एक्चुअल में बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादातर कंडीशन में उनका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं से गैस की वजह से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी आपको बीपी की शिकायत हो तो देख लीजिए, पता कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि आपको गैस की कोई ना कोई समस्या हो। अगर गैस की समस्या है तो आपको एक्चुअल में बीपीपी यानी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गैस की वजह से हो रही है। ठीक है, गंदगी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, आपका एज हो गया है, काफ़ी समय तक गंदगी अंदर इकट्ठी हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन जो एक तकलीफ बनी हुई है वो कहीं ना कहीं से गैस की वजह से हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में गैस पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं। दोस्तों जब भी बीपी बढ़ी हुई होती है तो आप देखेंगे कि सिर में भारीपन, चक्कर आना, इस तरह की तकलीफें महसूस होती हैं। और अगर वाकई हर्ट की वजह से है तो आपको बाएं हाथ में झुनझुनाहट, दर्द, इस तरह के या सेंसेशन, नंबनेस, ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। ठीक है, वन साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इससे आपको पता चलता है कि कभी कभी सिर में भारीपन, दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ बीपी आपकी लग रही है बड़ी हुई है, सुस्ती आ सकती है, चक्कर आ सकता है, ये सारे सिम्टम। और बड़ी बार तो ऐसा होता है कि कम होने में और बढ़ने में दोनों में कुछ सिम्टम कॉमन हो जाते हैं, तो जब आप बीपी चेक कराते हैं तो एक्चुअली में पता चलता है कि आपको हुआ क्या है।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि बीपी को नॉर्मल कर सकती हैं या कंट्रोल कर सकती हैं या ठीक कर सकती हैं। ठीक है, पहली बात कि अगर होम्योपैथिक दवा आप ले रहे हैं तो आप ये मान करके लीजिए कि आप बीपी को जड़ से समाप्त करने के लिए ले रहे हैं, तब तो उसका फ़ायदा होगा आपको। अदरवाइज आप सिर्फ आराम के लिए ले रहे हैं तो बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो कि आपको बीपी में आराम देती रहेंगी, आप उसको लेते रहेंगे आपको आराम मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जड़ से समाप्त हो, चूँकि होम्योपैथी इसीलिए प्रसिद्ध है कि होम्योपैथिक दवाएं किसी भी बीमारी को जड़ से सही करती हैं, चूँकि वो बीमारी को दूर नहीं करती है, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन को सही करती है। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर सही हो जाता है इंसान का तो कोई भी बीमारी हो उसको समाप्त होना ही होना होगा। ठीक है, तो समाप्त हो ही जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद तब दवा का सेवन करें। जब प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं तो जो दवा निकल करके आती है वो होती है आपकी एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन। और जब वो आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी तकलीफें होती हैं वो तो दूर होती होती हैं, जड़ से बीपी समाप्त हो जाती है। और ये दोस्तों सत्य है कि होम्योपैथिक दवा का सेवन करने के बाद में बीपी आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको कंडीशन पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। नॉलेजेबल डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के अथराइज डॉक्टर हैं, वो सेलेक्ट कर पाते हैं कि एक्चुअल में कौन सी मेडिसिन देनी है। चूँकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं, जानकारी लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद तब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकल करके आती है। तो अगर आप भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद में तब जो दवा वो दे करके आते हैं तो फिर उससे आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं हैं और किन सिम्टम के आधार पर काम करती हैं। तो मैंने आपको तीन तरीके बताए जिसकी वजह से बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। पहला तरीका जो कि वाकई हार्ट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर हो रहा हो, तो दूसरी कंडीशन होती है कि आप चल करके आ रहे हो, क्या ही कोई फिजिकल वर्क करके आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा हो, और तीसरी कंडीशन है कि गैस की अगर बनी हुई है तो उस वजह से अगर हो रहा हो। तो ये सारी कंडीशंस में, जिसमें अगर हम नॉर्मली बात करें कि चल करके आ रहे हैं तो नॉर्मली आप आराम कर लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा, तो उसमें किसी दवा की आवश्यकता होती नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर गैस की वजह से समस्या हो रही हो और बीपी बढ़ी हुई हो, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों गैस से संबंधित जो दवाएँ होती हैं जैसे पल्सरटीला बहुत अच्छी दवा होती है अगर गैस की वजह से तकलीफ हो रही हो तो, या कार्बोवेज अगर गैस की वजह से तकलीफ बनी हुई है तो, लाइकोपोडियम अगर गैस की वजह से ये सारी तकलीफें हो रही हो, उलझन बेचैनी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, बीपी बढ़ी हुई हो, बीपी चेक करने पे बढ़ी हुई मिल रही हो, तो इन सारी दवाओं का सेवन करने से आप देखेंगे कि बीपी में आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इन दवाओं का असर होना शुरू होगा, और भी बहुत सारी दवाएँ हैं, है ना, चाइना है, तो इन सारी दवाओं को आप अगर आप यूज़ करते हैं सिम्टम के आधार पर, अलग अलग मैंने वीडियो बना रखी हुई है, आप जा करके उसको देख सकते हैं कि किस दवा का क्या क्या सिम्टम होता है गैस को लेकर के, तो उस सिम्टम के आधार पर आपने दवाओं का चुनाव करना है, तो आपको जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं ज़्यादातर आपकी सही हो जाएगी जो गैस से हो रही हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर वाकई कोई प्रॉब्लम है और बीपी बढ़ी हुई है, दो कंडीशन होती है बीपी में, एक तो बीपी बढ़ जाती है, एक बीपी कम हो जाती है, तो हम बात कर रहे हैं बीपी बढ़ने की, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में जो सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन है वो है दोस्तों लैकेसिस। लैकेसिस बहुत ही बढ़िया दवा है, जब भी अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ मिले और नेचुरली कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से हो रहा हो। बड़ी बार क्या होता है कि जैसे कोई लोग परेशान हो जाते हैं अंदर से, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से अंदर बड़ी ठेस लगी हुई है और उसकी वजह से ये सारी कंडीशंस हो रही हो, ठीक है, तो हो सकता है ऐसी कंडीशन में कोई पैथोलॉजिकल कारण ना हो, कोई पैथोलॉजिकल कारण ना हो, लेकिन बीपी बढ़ी हुई है। कारण क्या है कि अंदर से घबराहट सी महसूस हो रही है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लिया, उसकी वजह से ऐसी कंडीशन हो रही है। तो वैसी कंडीशन में लैकेसिस बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों। और लैकेसिस का सिम्टम क्या मिलेगा आपको, लैकेसिस का आपको सिम्टम मिलेगा कि वन साइडेड लेफ्ट साइड में तकलीफ का होना। दूसरी चीज़ क्या कि अगर आप पेशेंट का थोड़ा सा आप जीभ देखेंगे तो आपको एक फिशर का निशान मिलेगा, जीभ पे आपको क्रैक का निशान मिलेगा। रात में तकलीफें पेशेंट की बढ़ जाती हैं, रात में अचानक उठ करके बेचैनी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी से महसूस हो सकती है। इसके अलावा
पेशेंट का एक नेचर होता है कि उसको बड़ा ढीला ढाला कपड़ा पसंद होता है, कपड़ा अगर टाइट हो जाता है तो बड़ी बेचैनी से महसूस होती है, स्पेशली गले में या कमर में, ठीक है। पानी की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, रात में मुंह सूख जाता है, पानी की प्यास लगती है, तो ये सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं आपको तो आप वहाँ पर लैकेसिस अगर देते हैं दोस्तों तो लैकेसिस बहुत ही बढ़िया काम करती है ऐसी कंडीशन में। इवन अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो वहाँ पर भी अगर सिम्टम्स के आधार पर लैकेसिस का चुनाव करते हैं, जो कि लैकेसिस की जो पूरे सिम्टम मिलते हैं, तो आपको वहाँ पर भी आपको आराम मिलेगा दोस्तों। दूसरी दवा है नेट्रमियोर। नेट्रमियोर बहुत ही बढ़िया दवा होती है हाई ब्लड प्रेशर की दोस्तों। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वैसी कंडीशन में नेट्रमियोर के जो बेसिक सिम्टम होते हैं कि नमक की बहुत ज़्यादा चाह होना, लैटिन ड्राई होना, सूखी होना, टूट टूट करके होना, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा परेशानी लेना, या कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा सोच रहा हो और उसकी वजह से बीपी अगर बढ़ी हुई हो, ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ, तो वैसी कंडीशन में नेट्रमियोर बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। तीसरी दवा है रॉल्फिया। अगर बीपी बढ़ी हुई है, कारण समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बीपी आपको बढ़ी हुई महसूस होती है, तो इसका मदर टिंचर फॉर्म में आप ले करके 10-10 बूंद आधे कप पानी में ले करके सुबह दोपहर शाम आप अगर लेते हैं तो किसी भी तरीके का ब्लड प्रेशर है वो आपको आराम कर देगी। तो दोस्तों ये वो सारे मेडिसिंस हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिंस हैं, जैसे डिजिटेलिस है, क्रेटिएगस है, और भी कई सारे मेडिसिंस हैं जिनका यूज़ किया जाता है समय समय पर सिम्टम के आधार पर। तो दोस्तों हर मेडिसिन के अलग अलग पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं, उन सारे सिम्टम को हमेशा ध्यान रखना होता है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इन दवाओं के सिम्टम्स से संबंधित आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप जा कर के उसको देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि वहाँ पे जो जो सिम्टम मैंने बताए हुए हैं, अगर वो सिम्टम आपको मिलते हैं तो आप डेफिनेटली उन सिम्टम के आधार पर अगर दवा का चुनाव करते हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी दोस्तों। और आपको ध्यान ये भी देना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन तक जाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का चुनाव कैसे किया जाता है, उससे संबंधित भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं और भी वीडियो इस टॉपिक पे बना दूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का चुनाव कैसे किया जाता है, या और जो जो चीज़ें होती हैं जिसकी आपको आवश्यकता महसूस हो, किसी मेडिसिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या जो चीज़ आपको समझ नहीं आई हो या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में, तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। ब्लड प्रेशर के बारे में समझ में आया होगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बढ़ता है, और ऐसी में कंडीशन में हमको दवा कौन कौन सी लेनी चाहिए, सिम्टम्स क्या क्या होने चाहिए। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ तो नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।